देश में विभिन्न जाति धर्मों का देश है। हम लोगों ने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, जो प्रदेश में आज दहशत का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है, इसको खत्म करके भाईचारा पैदा करने के लिए हम लोगों ने आज जो लाइन ऑर्डर प्रदेश में खत्म है उसको बहाल करने के लिए हम लोग समझौता किए हैं। और हम अपने उन साथियों से भी कहना चाहूंगा जो साथी प्रदेश में हक हिस्सा सम्मान चाहते हैं, जातिवार जनगणना चाहते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं, जो एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं, जो गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, ऐसे साथियों से मैं कह रहा हूं कि आप आओ। 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 100 जीत जाओगे, इस पे विचार करो। शौकत अली जो कह रहे हैं कि अखिलेश द्वारा गौमूत्र पिलाए गए हैं और छिड़के गए हैं उसके ऊपर, क्या वो उनका बयान है? अब वो उनसे पूछिएगा कि क्या आपने देखा है क्या। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव रखने का सुझाव दिया है अमित शाह ने। नाम रखा है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सुहेलदेव के आगे राजभर क्यों नहीं लिखते? जब पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो सकते हैं, राम मनोहर लोहिया हो सकते हैं, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हैं, तो उनके नाम के आगे राजभर लिखने में क्या डर है? और ये डर ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज चाहे वो ट्रेन चलावे, चाहे यूनिवर्सिटी के नाम से रखें, चाहे कुछ भी करें, ये देन अगर किसी की है तो भारतीय समाज पार्टी के नेता और भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है कि आज वो ये काम कर रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर ने वो स्थिति पैदा कर दिया है कि पूरे देश में आज जिस तरह पूजा शुरू होता है हिंदू धर्म में तो शुरू होता है श्री गणेशाय नमः, उसी तरह देश की राजनीति में जब तक सुहेलदेव आए नमः नहीं कोई बोलेगा, तब तक उसका देश में कल्याण होने वाला नहीं है।